नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता चतरा से आरजेडी उम्मीदवार होंगे। सूत्रों के मुताबिक सत्यानंद भोक्ता के नाम पर महागठबंधन में सहमति बन गई है। आरजेडी ने झारखंड से 2 लोकसभा सीटें मांगी है। चतरा सीट लगभग फाइनल बताई जा रही है। भोक्ता पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वो चतरा से 2 बार आरजेडी के विधायक रहे हैं। चतरा में पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को जीत मिलती रही है और ऐसे में महागठबंधन ने बीजेपी के मुकाबले इस बार सत्यानंद भोक्ता पर दांव आजमाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त चतरा से। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है जहां पर बीजेपी से अब मुकाबला करते हुए सत्यानंद भोक्ता नजर आएंगे, जो कि आरजेडी के विधायक हैं और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि लगभग इनके नाम पर सहमति बन चुकी है। ये चतरा सीट जो है सत्यानंद भोक्ता यानी कि आरजेडी के विधायक को जाती हुई। वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट पर एक बार फिर से आजसू और जेएमएम के बीच सियासी भिड़ंत की तस्वीर बनती हुई दिख रही है। गठबंधन में फिलहाल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय नहीं हुआ है, पर यह माना जा रहा है कि सीट जेएमएम के ही हिस्से में आने वाली है। ऐसे में टुंडी के विधायक मथुरा महतो का टिकट पक्का माना जा रहा है, इसलिए मथुरा महतो ने अपनी तैयारियां भी इसे लेकर तेज कर दी है। पर आजसू की चुनौती भी कम मजबूत नहीं है। प्रत्याशी की घोषणा या प्रत्याशी का चयन पार्टी के बैठक में किया जाता है। अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है इस राज्य में, अभी सीटों के बंटवारे को लेकर के बैठकें चल रही है और उन बैठकों का जो नतीजा आएगा उसके बाद हम लोग सीट के बारे में भी बता देंगे कि किन किन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रही है और कौन कौन प्रत्याशी होंगे। देखिए, प्रत्याशी हमारा जो भी हो, जो हमारा पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। आसन लोकसभा चुनाव में और जा रहा सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी का, तो मुझे प्रत्याशी की कोई परवाह नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस किसी को प्रत्याशी बना, हमको उससे मतलब नहीं है। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के पिछले 20 सालों के इतिहास की बात करें तो आखिरी बार 2004 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से टेकलाल महतो सांसद बने थे, लेकिन उसके बाद जो 3 बार चुनाव हुए उन तीनों पर एनडीए का ही कब्जा रहा। ऐसे में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश में है, जिसको लेकर मथुरा प्रसाद महतो एक उम्मीद बन सकते हैं। हालांकि 3 बार की बादशाहत को एनडीए भी छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन अब तय जनता को करना है गिरिडीह में गर्जेगा तो कौन। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। धनबाद में लोकसभा समन्वय समिति की मैराथन मीटिंग में प्रत्याशियों के संभावित नामों पर राय शुमारी की गई। हालांकि किसी नाम पर सहमति नहीं बन सकी और ऐसे में संभावित नामों की सूची बंद लिफाफे में कांग्रेस आलाकमान को भेजने का फैसला लिया गया। धनबाद में बंद कमरे में कई घंटे चली बैठक के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर सहमति नहीं बन सकी। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने सभी प्रमुख नेताओं से राय शुमारी करने की कोशिश की, पर किसी एक नाम पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। ऐसे में संभावित उम्मीदवारों के नाम बंद लिफाफे में कांग्रेस आलाकमान के पास भेजे जाएंगे और अब वहीं से प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जाएगा। पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक ही मांग है कि इस बार स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। मजदूर से जुड़ा हुआ जो लीडर है, जो 24 घंटा मजदूर के सेवा का काम करता है और जो मजदूर के बीच में रहता है, जो कि वोट इकट्ठा कर सकता है, वैसे प्रत्याशी को धनबाद जिला से टिकट मिलना चाहिए। तो चेहरा तो बहुत है, लेकिन उसमें वैसा चेहरा देना होगा जो 5 लाख ओवर से जीता बीजेपी, तो उसका आधा करने से 2.5 लाख हो रहा है। 2.5 लाख में और 10,000 जोड़िए, माने 2,60,000 वोट जिसको लाने का कैपेसिटी है, वैसा प्रत्याशी को देगा तभी जाके सीट निकाल सकता है, वरना हम लोग कड़ा संघर्ष में जीत सकते हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कीर्ति आजाद को 27% यानी कि 3,41,000 वोट मिले थे और उन्हें बीजेपी के हाथों 4,86,000 वोट के अंतर से मात खानी पड़ी थी।
जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय दुबे को 2,50,000 वोट मिले और उन्हें बीजेपी से 2,92,000 वोट के अंतर से मात खानी पड़ी थी। धनबाद जिला के रहने वाला आदमी चाहिए आज सबसे है, देखिए सबसे ये जो गांव में है, बाजार में, टाउन में जो प्रत्याशी जाता आता हो, ये करता हो कि जिसको भी कांग्रेस पार्टी ने वहां से टिकट दे दिया उसके लिए हम लोग काम करें, एबीसीडी कोई भी हो, लेकिन यहां गुटबाजी के चलते आज तक पीएम सिंह विजय भव हो रहे हैं। मजदूर बहुल धनबाद लोकसभा सीट पर एक बार फिर चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, पर अब तक न तो बीजेपी और न ही कांग्रेस ने किसी उम्मीदवार के नाम को फाइनल किया है। ऐसे में सबकी निगाहें उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पर जाकर टिकी हुई है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। तो इन धनबाद के पूर्व सांसद ददई दुबे ने कहा है कि कांग्रेस का टिकट मिलने पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। धनबाद में हुई लोकसभा समन्वय समिति की बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और ऐसे में अब पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे और बेरमो के विधायक अनूप सिंह के नाम पर चर्चा तेज है। मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे और टिकट जब नहीं मिलेगा धनबाद की जनता, बोकारो की जनता हमें चाहती है। पीएन सिंह को कभी भी जनता पसंद नहीं करती। कांग्रेस में टिकट को लेकर होड़ मची हुई है। पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट दिलाने की मांग को लेकर कई समर्थक इन दिनों रांची में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मिलने वालों का जैसे तांता लगा हुआ है। सर्किट हाउस में इन दिनों झारखंड के गांव-गांव से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। दरअसल इसी सर्किट हाउस में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ठहरे हुए हैं, इसलिए उनसे मिलने और पसंदीदा नेता को टिकट दिलाने के लिए समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर किसी की एक ही मांग है, खतियान आधारी और मूलवासी प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए कि भाई जनाधार को बढ़ाना है कांग्रेस का, ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट अगर कांग्रेस को लाना है तो यहाँ जो बृहत कम्युनिटी है, जो जनसंख्या में ज्यादा कम्युनिटी है, जैसे कुड़मी समाज पूरे झारखंड में अगर 3.5 करोड़ अगर जनता है तो 1.5 करोड़ कुड़मी जाति के, सिर्फ एक जात का लोग 1.5 करोड़ है, उस पर भी ध्यान देने की ओर इनको आकर्षित किया गया। जो भाजपा के भी केडर हैं वो हम लोग से भी संपर्क कर रहे हैं कि इस बार हम लोग एकदम भाजपा को वोट ना देके कांग्रेस का कोई भी स्थानीय प्रत्याशी होगा तो उनके साथ हम लोग हैं, लेकिन अंदरूनी तरीके से रहेंगे, वो संपर्क में हम लोग के साथ। गठबंधन के अंदर 14 लोकसभा सीट के बंटवारे को लेकर अब भी मंथन जारी है। हर सीट पर चुनाव जिताऊ उम्मीदवार की तलाश हो रही है। टिकट के दावेदार रांची से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग करने में भिड़े हुए हैं। बीजेपी का सामना करने के लिए खतियानधारी और मूलवासी प्रत्याशी की मांग जोर शोर से उठ रही है। जनता को भी टेस्ट है, जब आप कहते हो कि हमें इस तरह का चाहिए, अगर हम दे रहे हैं वो, तो फिर भी आप किसी और स्लोगन को लेकर फिर कल फैसला गलत दोगे तो वो तो जनता पर भी ब्लेम आएगी ना। तो इसलिए हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वो हो जो यहाँ के जनता की इच्छा हो। पिछले चुनाव में मिली हार से सबक लेकर इस बार कांग्रेस ने बाहर की बजाय स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कितनी सीट पर स्थानीय प्रत्याशी का डंका बजता है। अविनाश कुमार, न्यूज 18, रांची। तो लोकसभा चुनाव में जीत मिलने पर कांग्रेस ने 30 लाख नए पद सृजित करने का ऐलान कर दिया है। रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हर युवा की पहली नौकरी सरकार पक्की करेगी। साथ ही 25 साल तक के स्नातक और डिप्लोमाधारी छात्रों को सालाना 1 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया गया। यही नहीं, कांग्रेस ने पेपर लीक से मुक्ति दिलाने के लिए सख्त कानून बनाने की भी बात कही। राहुल गांधी जी ने भर्ती का भरोसा दिया है, भर्ती भरोसा के नाम से
कि इसके तहत पारदर्शी जॉब कैलेंडर के साथ केंद्र सरकार में 30 लाख पद सृजित किए जाएंगे। देखिए, उन्होंने 30 लाख की बात कही है और जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो 2 करोड़ की बात करते थे। तो हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वो सच के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। पलामू के बीजेपी उम्मीदवार विष्णु दयाल राम का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्हें पलामू लोकसभा सीट से लगातार 3री बार टिकट मिला है। टिकट लेकर वो दिल्ली से मेदिनीनगर आए और इस दौरान सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे 3री बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके मुझ में भरोसा जताया है और जो भरोसा उन्होंने जताया है निश्चित रूप से उस भरोसे पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। झारखंड पार्टी ने बागी जेएमएम विधायक लोबिन हेमरम को न्योता दिया है। रांची में झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने कहा कि लोबिन हेमरम झारखंड वासियों के हक की आवाज उठाते रहे पर राज्य सरकार ने साहिबगंज में उनकी अन्याय यात्रा को कुचलने का प्रयास किया और धारा 144 लागू कर दिया। उन्होंने लोबिन हेमरम से झारखंड पार्टी में शामिल होकर मार्गदर्शन देने की अपील की। के साथ साथ झारखंड के सभी मूल वासियों का और झारखंड के सभी आदिवासियों का खुलेआम अपमान किया गया है। तो इस पार्टी के सारे कार्यकर्ता हम लोगों के माध्यम से राज्य की जनता से और राज्य के उन सभी बड़े नेताओं से आग्रह करते हैं, माननीय लोबिन हेमरम जी से आग्रह करते हैं कि वे हमारी पार्टी के साथ जुड़े और हमारा अभिभावक बने, हम लोगों को मार्गदर्शन दे। तो लोहरदगा के राजस्व कर्मचारी रमा महतो को एसीबी ने घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। कर्मचारी रमा महतो जमीन के म्यूटेशन के नाम पर 6,000 रुपए घूस ले रहा था, तभी एसीबी ने उसे धर दबोचा। लोहरदगा के ग्रामीण सरोज खत्री ने 4 डिसमिल जमीन के म्यूटेशन के लिए ऑफलाइन आवेदन दिया था और राजस्व कर्मचारी ने इसके लिए 6,000 रुपए घूस के तौर पर मांगे। घूस की रकम लेते ही एसीबी ने उसे पकड़ लिया।